अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धीमों को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी पाइपलाइन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं घर में बआसानी। तो क्या ये पाइपलाइन बेहतर है बनिस्बत ड्रिलिंग के ज़रिए से जब हम धीमक की स्प्रे करवाते हैं? क्योंकि जब धीमक की स्प्रे करवाने के लिए हम ड्रिल करवाते हैं तो वो जो कारीगर हजरात आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि हमारे इस पॉइंट के नीचे क्या कौन सी पाइपलाइन गुजर रही है। हो सकता है वो पानी की हो सकता है वो सीवरेज की हो सकता है वो गैस की हो सकता है वो बिजली की हो। उन्होंने अपना 1 से 1.5 फुट के दरमियान अपना सुराख करना होता है, तो अपना काम जो होता है वो स्प्रे प्रेशर के जरिए से डाल देते हैं। उससे नुकसान होता है, कोई हमारी लैंड जो होती है वो नीचे जा रही होती है, वो डैमेज भी हो सकती है और बच भी जाती हैं। लेकिन वो अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी कौन सी लाइन किस वक्त कहाँ से गुजर रही है। तो जो ये पाइपिंग सिस्टम है दीमकों को कंट्रोल करने के लिए ये बेहतरीन है। इसके ज़रिए से हम सिर्फ एक अपना जो होता है बंद प्लग उसको खोलेंगे और अपनी जो स्प्रे वगैरह है उसको प्रेशर के ज़रिए से डाल देंगे। पाइपलाइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं फ़िल्टर वगैरह, इनके अंदर दो तरह के फ़िल्टर होते हैं। ये आप सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक कलर के, ये भी फ़िल्टर हैं लेकिन ये थोड़े से हल्के क्वालिटी के हैं। ये पाइपलाइन के ऊपर ग्रिप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो है आपको कैप नज़र आ रहा है ये उस जगह पर लगता है जहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगता है। तो जो पाइप वगैरह इस्तेमाल होते हैं इसको लाइन को बिछाने के लिए वो कुछ इस तरह से हैं कि ये ना तो बहुत ज़्यादा हल्के हैं ना बहुत ज़्यादा भारी हैं, लेकिन अच्छी किस्म के हैं, मज़बूत होते हैं और जिसको आप दबाएंगे हाथ से तो ज़ोर लगा के लेकिन डैमेज नहीं होंगे। अगर किसी कोई और चीज़ ऊपर ईंट वगैरह भी गिर जाए तो वो चांसेस होते हैं डैमेज वगैरह होने के, लेकिन इन्होंने जो कवर करना होता है वो मिट्टी के अंदर ही आ जाना होता है। जब आपने रोड़ी डालनी है उससे पहले पहले आपने ये अपनी जो पाइपलाइन है वो इंस्टॉल करवानी है। सबसे पहले तो आपने अपने वो कमरे के अंदर हो चाहे हाल के अंदर हो, जिस जगह पर आपने अपना ये पाइपलाइन इंस्टॉल करनी है उस हिसाब से आपने अपने पाइप और एल्बो वगैरह या साकटे वगैरह इंतज़ाम कर लेनी है। तो फिर आपने दीवारों के साथ साथ आपने अपना वो पाइप उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते हुए ये याद रखें कि आपने उनको एक पाइप के अंदर कम व बेश 4 सुराख होने चाहिए, 3 से 4 सुराख ब्रेक से होल होते हैं वो करने, ना कि बहुत ज़्यादा भारी। और उसके बाद आपने फ़िल्टर का साइज़ देख लेना है, 4 से 5 इंच का फ़िल्टर होता है। उस हिसाब से फिर आपने जहाँ जहाँ पर आपके पाइप के अंदर सुराख होंगे वहाँ पे आपने ग्रीन कैप वो जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये लगा के फिर आपने अपनी खुदाई कर लेनी है हर उस पॉइंट पर जहाँ पर आपका फ़िल्टर लगना है। जैसे कि ये आपके सामने खुदाई वगैरह हो रही है इसी तरह से बिल्कुल, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये कैप, ये उस जगह पर कैप लगा हुआ है जहाँ पर हमारा सुराख है और हमारा जो फ़िल्टर है वो इंस्टॉल होना है। तो अभी मैं आपको वो सुराख दिखाता हूँ कि कितना छोटा सुराख है, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा एक सुराख है। इसी तरह से सारे पाइप के ऊपर जो पूरे लाइन है इनके ऊपर इसी तरह के सुराख होते हैं। तो उसके बाद हमारा जो मरला आता है जब खुदाई के बाद हमारे वो फ़िल्टर को इंस्टॉल करने का आता है, बिल्कुल आपने वो जैसे कि पिनों के ज़रिए से उनको पाइप के साथ चिपकाते जाना है और उनको सीधा खड़ा करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से कुछ। तो ये जो फ़िल्टर लगाए होते हैं इनके अंदर भी दो तरह की क्वालिटियाँ होती हैं, एक ये जो होते हैं वो हल्के होते हैं और थोड़े से भारी होते हैं, लेकिन वो उनकी शेप जो होती है वो थोड़ी सी और होती है। वो पाइप के अंदर इंस्टॉल होते हैं, उनको जब इंस्टॉल करते हैं तो ये जो ग्रीन कैप है ये इस्तेमाल नहीं होते फिर, क्योंकि वो फ़िल्टर के ऊपर ही कैप होता है तो वो पूरा पाइप के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है बिल्कुल। तो उसके बाद वो आपने अपने जो पाइपलाइन है उसको अच्छी तरह से मट्टी के साथ कवर कर लें, या कसूब वगैरह डालना है तो वो डाल के आपने कवर कर देने, ताकि जो पाइपलाइन है वो बच जाए किसी तरह के रोड़ी ऊपर ना लगे इसके ऊपर, क्योंकि बाद में रोड़ी आनी होती है। तो इसी वजह से ये वो फ़िल्टर हैं इनके नीचे जो होती हैं वो जाली नहीं लगी होती। जाली लगाने का मकसद ये होता है कि जो कचरा वगैरह होता है जो मिट्टी वगैरह होती है जब ऊपर से थोड़ा सा दबाते हैं इस फ़िल्टर को तो ये मिट्टी के साथ बैठ जाता है, तो जो मिट्टी होती है वो इसके अंदर ना जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी जालियाँ,
ये आप देख सकते हैं, ये सुर्ख तरह की कुछ इस तरह की जाली होती है। तो ये फिल्टर की दो किस्में हैं, एक इस तरह की होती है और एक वो आपके सामने ये पड़ा हुआ है जो पिनों वाला। ये दो तरह की क्वालिटी होती है, लेकिन मजबूती के लिहाज से अगर आप देखें तो वो दूसरे वाला फ़िल्टर जो है वो मजबूत है बनिस्बत इस फ़िल्टर के, जिसके अंदर लाल रंग की जाली इस्तेमाल हुई है वो मजबूत है बनिस्बत दूसरे फ़िल्टर के। यहाँ पर जो फ़िल्टर इस्तेमाल हुए थे वो ये पिन वाले थे, क्योंकि वो मार्केट से मिले नहीं थे, इसी वजह से फिर हमें मजबूरन ये इस्तेमाल करने पड़े, वरना वो दूसरे फ़िल्टर ही इस्तेमाल करने थे। तो ये वो फ़िल्टर हैं जो इंस्टॉल करने हैं, इसको उस जगह पर पहुंचाना है जहां पर हमारा सुराख है, ताकि जो सुराख हो वो इस फ़िल्टर के ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर ले और जो मिट्टी वगैरह हो, यानी कि वो ये ना हो कि हमारा फ़िल्टर पीछे रह जाए और सुराख जो है वो आगे चला जाए। ये ब्रिक सुराख है, इसके ऊपर हमारा फ़िल्टर आएगा बिल्कुल वो जैसे ये आया हुआ है। ये तो ये हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया। दीवार के अंदर खुड्डा मार के इसके दो पॉइंट निकाल दिए बाहर और आगे बंद प्लग लगा दिए। जब हमने इसको टेस्ट करना हो तो इसमें से दोनों में से एक को खोलेंगे, इसके अंदर हमारी स्प्रे वगैरह डाल देंगे और हमें पता चल जाएगा। तो अभी इसके अंदर पानी वगैरह डाल के आपको टेस्ट करवाते हैं कि कैसे काम करता है। और एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जैसा कि आपके मेन जोड़ होते हैं, जैसा कि ये एल्बो हैं जो कॉर्नर पर आती हैं, वो लीक ना हो, वो अच्छी तरह से कवर हों ताकि वहाँ से लीकेज ना हो। वैसे भी अगर थोड़ी बहुत लीकेज हो तो चलेगी, क्योंकि ये जो पाइपलाइन का सिस्टम ही कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसने अपने लीकेज की वजह से ही काम करना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पानी वगैरह डाल के कि कैसे ये काम करता है। तो ये हमने मोटर के ज़रिए से पानी वगैरह डाला था, क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए इस पाइपलाइन को फिल करने के लिए, तो इसी वजह से। तो अभी ये पानी वगैरह आ चुका है पाइप के अंदर, तो अब मैं चलता हूँ अंदर की तरफ, तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पानी यानी कि पाइपलाइन वर्क करते हैं। अभी ये देख सकते हैं आपको, जहाँ जहाँ से हमारे फ़िल्टर लगे हुए हैं, जहाँ पर सुराख हैं वहाँ पर पानी आ चुका है और वहाँ से मिट्टी जो है वो गीली हो चुकी है। तो बेसिकली बिल्कुल इसी तरह से जब हमारी दीमक वगैरह का इशू बनेगा तो ये ऐसे ही प्रेशर के ज़रिए से हमें जो होगी वो स्प्रे डालनी पड़ेगी और हमारा जो दीमक वगैरह होगी वो नीचे से ख़त्म हो जाएगी और इस हमारा जो फर्श है वो महफूज रहेगा, बनिस्बत के हमें जब बाद में ड्रिलिंग वगैरह करनी पड़े या कुछ और तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़े। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ये आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।